मैं ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से अपना महापौर होने के नाते इस बार अपने देश के आज़ादी का अमृत का महोत्सव में जो हमारा 75 सालगिरह स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस बड़ी खुशी के माहौल पे आप सब जनों को जितना भी ईटानगर से लेके चिंपू टू बंदरदेवा दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी 13 और 14 खास करके और सारा अरुणाचल प्रदेश और अपना देशवासियों को मैं ढेर सारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने ओर से और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से। देखिए, हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते रहता है लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि आज हम लोग जो 75वें सालगिरह में जो इस महोत्सव का इस समय का जो हम चश्मदीद गवाह है, इस 75 सालगिरह को हम देख पा रहा है। इस प्रोग्राम में हम देश के लिए अपना तिरंगा को अपनाते हुए जो देश को समर्पित करने वालों को उन 75 साल पहले में जो देश के लिए बलिदान देने वाले अपना उस हर फ्रीडम फाइटर को मैं दिल से नमन करता हूं और मैं आने वाला समय में हमारा नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में पेमा खांडू जी का लीडरशिप में मैं चाहता हूं कि आज ये 75 साल गिरा होने के बाद हमारा ईटानगर को और अरुणाचल को अच्छा से अच्छा सुविधा मिले और ज़्यादा प्रगति हो। इस चंद शब्दों के साथ में दोबारा से 75वीं सालगिरह में जो शरीक होने वाले हर बंधुओं को, माँ, पिताजी, भाई, बहन को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और हम सबका गर्व का बात है कि हम 75 सालगिरह में हम इंडिपेंडेंस डे को हम खुद एक तो सबूत हो के हम देख पा रहा है, हम लोग इसमें सम्मिलित हो रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। हर किसी को इसका अच्छाई को, सच्चाई को हम अंदर से समझना है, तब हम देश को समझ पाएगा, प्रदेश को समझ पाएगा। हम एक आपका जरिए से मैसेज देना चाहता है, हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल कोई धर्म का नाम ना बोले और अपना भेदभाव ना करे, ऊंचा नीचा ना बोले, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय ईटानगर। थैंक यू।